गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और टाइटल से पता चल गया होगा कि ये कौन सा व्लॉग है, मोस्ट अवेटेड व्लॉग जो कि आप सब बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि लव स्टोरी व्लॉग लेकर आओ। हमने आप सबको प्रॉमिस किया था 5K सब्सक्राइबर्स पर हम लेकर आएंगे। किया था 5K पे, किया था 10K पे, किया था 5K पे किया था, ठीक है। तो वो प्रॉमिस हम पूरा कर रहे हैं आप सबके लिए आज। देखा कितने अच्छे हम लोग, देख रहे हो आप, देख रहे हो देख और रहे आप हो? फिर भी शेयर नहीं करते व्लॉग। तो हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई तो सबसे पहले वो शिवम बताएगा, क्योंकि हम पहले बिल्कुल बचपन से आपको बताएंगे कैसे स्टार्ट हुआ। तो बचपन में शिवम ने क्या झेला वो शिवम खुद बताएगा। एक तरह से हम अपनी मतलब पूरी लाइफ ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम बचपन से ही साथ हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से नर्सरी में ही हम सेम क्लास से ही पढ़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8th क्लास से, 7th क्लास से, 7th क्लास से नहीं, नो 7th क्लास से थोड़ी, पहले बचपन से बताओ ना। बचपन से क्या, तुम साथ पढ़ते थे बस। नहीं, कैसे मैं आपको ब्लैकमेल करती थी और वो सब अच्छा कुछ। चल ठीक है, वो भी बता देता हूँ सारा कुछ। बिल्कुल ही बचपन से बोल रही है। सब कुछ पता होना चाहिए ना आपको, कुछ रहना नहीं तो चाहिए। हुआ क्या था, स्टार्टिंग में मतलब सेम क्लास में ही थे हम, नर्सरी से ही सेम क्लास में थे। तो फर्स्ट क्लास में क्या होता था, एग्ज़ाम देने जाते थे ना हम, वहाँ पर ड्राइंग का एग्ज़ाम था एक बार, और हमें ड्राइंग में बनाने को आया था ट्री। मैं ड्राइंग की सबसे बड़ी चोर थी। मैं सारी अपनी ड्राइंग्स मेरी नेबर में एक मोनिका दी रहती थी, उनसे बनवाती थी, या फिर मेरी छोटी बहन दीक्षा से बनवाती थी। मुझे ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ड्राइंग के एग्ज़ाम में मेरे को ब्लैकमेल किया इसने, मुझे बोला कि अगर तूने मेरा ट्री नहीं बनाया, क्योंकि मैं शिवम एस और ये तान्या टी, तो मैं इसके आगे होता था, ये मेरे पीछे होती, मतलब आज बिल्कुल ऐसे होते थे कि बात कर सकते हैं। तो इसने मुझे ब्लैकमेल किया कि तू मेरा ट्री बना, नहीं तो मैं मैम को तेरी कोई कोई फलाना फलाना कोई बात बता दूंगी। फलाना फलाना नहीं, मैं बात भी बता सकती हूँ। तो हुआ क्या था कि शिवम ने ना, मतलब जिस क्लास की बात कर रहा है उसी में शिवम मेरे पास आता और आके कहता, तान्या वो देख मैम का ना ब्लाउज फटा हुआ है। और मैम का ब्लाउज ना यहाँ से फटा हुआ था। तो बस मैंने यही बात, या मैं थोड़ी तेज थी यार, मतलब तेज है, हूँ भी और तेज थी है। भी, तो मैंने वो बात पकड़ ली कि ओ यस, इसको लेके मैं ऐसे ब्लैकमेल कर तो सकती इसने मुझे हूँ। इसी बात को लेके ब्लैकमेल किया था कि मैं मैम को बता दूंगी कि तूने ऐसे ऐसे बोला था, मेरा ट्री बना, और मैंने अपना ट्री छोड़कर इसका ट्री बनाया उस टाइम पे, ठीक है। बट मैंने अपना भी बाद में बना लिया था, बट इतनी तेज थी। बट अब बीच की सारी क्लासेस को छोड़ के हम 7th क्लास में हमारी बात शुरू हुई थी। मेन मैंने 7th क्लास में इसको बोला था मुझे एक लड़की पसंद थी, मैंने कहा था मेरी मेरी इससे बात करवा एट दे। क्लास में बोला था। 7th में बोला था, मेरे को अच्छी तरह याद है, वो जो नीचे थी टैप के सामने वाली क्लास। 7th में मैंने इसको बोला था कि मेरी उस लड़की से बात करवा दे ऐसे ऐसे, और इसने पता नहीं कोशिश करी थी, नहीं करी थी तूने बात मतलब कराने मैंने, की। मेरे को ना वो लड़की इतनी पसंद नहीं थी, तो फिर मैंने ना थोड़ी बहुत ट्राई करी थी, लेकिन ठीक है, तो नई सेटिंग हो पाई, बट हाँ इसकी हुई मेरी नहीं थी सेटिंग हो गई इसकी थी उस बात को लेकर। सेटिंग क्या हुई थी, मतलब सेटिंग। कितना गंदा यार, ये हम आज तक बातचीत सेटिंग बोलता हमारी है। बातचीत शुरू हो गई थी, मतलब मतलब फिर ऐसे हुआ था कि हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी, बट मैं ऑलरेडी कहीं पर रिलेशन में थी और मेरा नया नया ब्रेकअप हुआ था आई गेस। पता नहीं, मैं भी था रिलेशनशिप में उस टाइम पे किसी और के साथ। मतलब हम रिलेशनशिप दोनों क्या, मतलब 7th क्लास में क्या ही रिलेशनशिप, मतलब ऐसी किसी लड़की से बात होती थी, सबको बोलता था ये मेरी हाँ, गर्लफ्रेंड है, ऐसे बात और होती थी। ये होते 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 ना 8th क्लास में आ गए थे हम लोग। और 8th क्लास में मैं किसी और के साथ रिलेशन में थी, शिवम किसी और के साथ रिलेशन में था, और शिवम का भी ब्रेकअप नया नया हुआ था, मेरा भी नया नया ब्रेकअप हुआ था। तो और हम दोनों एक दूसरे, मतलब मैं इसकी सेटिंग करवा रही थी उस लड़की से, और सेटिंग अब खुद इन बोल रही है सेटिंग है। ये बाबा सारे मारूंगा सारे पकड़। चलो तो फिर उस, मतलब उससे रिलेटेड इसको मुझसे बात करनी होती थी, और बीच में पता नहीं कैसे इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया और मैंने इम्प्रेस, फिर इसको इम्प्रेस कुछ इम्प्रेस नहीं कर किया था, दिया। इम्प्रेस झूठी। मेरे को याद है पूरा, हम उस टाइम पे करते थे टेक्स्ट मैसेज पे। अब आज के जो लोग देख रहे हैं उन्होंने तो, कुछ लोगों ने बचपन से ही व्हाट्सएप देखा होगा, हाँ, बट हमारे टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था जब हम उस टेक्स्ट। क्लास में थे। नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, जो दिन के 100 मैसेज मिलते थे बस, तो उसमें हम चैट करते थे। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने इसको एक बार बोला था कि हमने प्रपोज अभी तक भी, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसे यस, प्रपोज नहीं किया। 11 ईयर का रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ मैरिज, लेकिन आज तक जिंदगी में इस बंदे ने मुझे प्रपोज नहीं करा है। इसने भी नहीं कतई करा। बेशरम जो होते हैं ना तो वो ये मैं बताता हूँ क्या हुआ क्या था। मैंने इसे मैसेज पे लिखा था कि भाई पता नहीं क्या, आपने ना कुछ ऐसे लिखा था कि तुझे तो वो बंदा डिजर्व भी नहीं करता, तू तो बहुत बेटर बंदा डिजर्व करती है, मेरे जैसा कोई ऐसे। तो फिर मैंने लिखा था, अच्छा तो तू बना ले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड। तो इसने लिखा,
ठीक है, आज आज से से तू तू मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे हुआ गर्लफ्रेंड, खत्म, नो था। प्रपोजल, नथिंग, आई लव यू, और नथिंग। ये भी उस टाइम पे नूबड़ी थी, बच्ची थी, तो मैं भी नूबड़ा था। तो फिर हमने यही सोच लिया कि अब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, सातवीं आठवीं क्लास से। बस ऐसे ही जाते जाते नाइन्थ क्लास में जब पहुंचे, फिर उसको बंदे को वापस भी आना था, मतलब बड़े फिल्मी थी किस हमारी बंदे को लव वापस स्टोरी आना था मेरे एक्स को। तो वो अच्छा बताना उन्हें, उस बंदे का क्या मतलब आया समझ। सॉरी। फिर थोड़ा थोड़ा रिलेशन आगे बढ़ा, फिर सबको धीरे धीरे क्लास में पता चलता गया, तो मेरे एक्स को भी पता चल गया था, फिर उसको वापस भी आना था, मतलब उसे फिर थोड़ा वो भी पंगे करना था, पंगे वंगे भी बहुत रहे डालने थे, पंगे, मतलब शिवम की मेरी और लड़ाइयां भी मेरी उसके हुई। साथ बहुत लड़ाई हुआ करती थी। क्योंकि वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक था, उसका दिल करता था वापस आने का इसके पास, जब वो देखता था हम दोनों को अपनी जगह पर। तो बट मैं भी उस टाइम पे गर्म खून, तो मैं भी लड़ता था उसके बचपन में साथ। शिवम बहुत लड़ाकू था, इसने मेरे पीछे इतनी लड़ाइयां करी है, इतनी लड़ाइयां करी है। ट्यूशन में मेरे को एक लड़का था जो ऐसे ऐसे करके ना चूटिया मारता था। अगर वो बंदा भी देख रहा है ना व्लॉग, तो आई एम सॉरी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट शिवम ने जाकर उससे भी लड़ाई करी थी। और वो याद दिलाओ, और इसके एरिया में ही वहां पे लड़ाई हो रही है, पूरे बंदे गए हुए हैं, ये वो गलती से वहां पे आ जाते पापा, शिवम के पापा। और शिवम लड़ते 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 शिवम तो पीछे की तरफ आ गया, और बाकी सारे लोग आपस में लड़ने मेरे लगे। दोस्त लड़ रहे थे उनके साथ। मैं हाँ, तो पापा आके शिवम से पूछते, ये कौन गधे का बच्चा लड़ रहा है? तो शिवम, आज तक पापा को नहीं पता कि वो गधे का बच्चा यही था। अबे तो उसके बाद क्या हुआ यार, ये सब फेज तो निकल गया। जब नाइन्थ क्लास के एंड में हम आए ना, उसके बाद ना मेरे घर पे पता लग गया था। और पता कुछ कैसे लगा था वो तो बताओ, पता लगा था, मैं घर पे झूठ बोल के गया पढ़ना था, घर पे झूठ बोल के गया था इससे मिलने। और पढ़ता पुढ़ता था नहीं, मैं घूमता फिरता रहता था हर टाइम, बाइक पे मेरे घूमना। पीछे। मेरे पापा ने बाइक मेरे को बड़ी जल्दी ले दी थी, एट्थ क्लास में बाइक ले दी थी, फ़ोन भी ले दिया था। तो मम्मी गुस्सा करती थी शुरू से पापा को कि ना आपने इसे बिगाड़ रखा है। तो ठीक है, मतलब मेरे घर में पता लग गया था नाइन्थ क्लास में, आइडिया हो गया था कि ऐसे ऐसे बिगड़ गया है और चैट चूट में लगा रहता है, घूमता लड़कियों के पीछे, मतलब लड़की के पीछे। लड़कियों के ही पीछे घूमता था ये रिलेशन में आने के बाद भी ना, और लड़कियों के पीछे भी घूमता रहता ठीक था। है, बट ज़्यादा इसके पीछे घूमता था। हाँ तो बस जाते जाते फिर 11th में हमारा ऐसा हुआ था कि हम पढ़ाई में ज़्यादा लग गए थे, है ना। हाँ मतलब हमारा ना एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ कि हम 10th तक ना ओके ओके थे पढ़ाई में, 10th तक भी नहीं, इनफैक्ट 9th तक ओके ओके थे पढ़ाई में। और रिलेशन में आने के बाद पता नहीं हमारे को क्या हुआ, हम पढ़ाकू हो गए बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। तो हम 10th 11th 12th अच्छे से पढ़ाई करी है बहुत हम ज़्यादा लोगों ने। हमने पढ़ा। 10th और में कितने CGPA थी आपकी? पता नहीं नाइन नाइन पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन और पॉइंट सिक्स मेरी थी। 9 या 9.2 ऐसे ही तो थी। मतलब ये कम ही रही है, हमेशा नीचे ही रही है पढ़ाई में हाँ मैं मुझसे। पीछे ही रही हूँ मतलब इससे, लेकिन इसके आसपास ही होती थी। 12th में भी आपकी कितनी थी? मेरी 93.6 थी शायद, 93.4 थी, पता नहीं और 92.75 93.6%। थी, तो मतलब हाँ आसपास तो आसपास ही आसपास, रहते मतलब थे। मेरे पीछे लगी हुई है शुरू से ना, मेरे पीछे पीछे रहती है। ज्यादा बोल रही, ज्यादा बोल रही, ज्यादा तेरा बोल नेल लगा है मेरे को। का। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बस मतलब 12th क्लास में जब हमारी ये परसेंटेज आई अच्छी, तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बाय चांस अब कह सकते हैं, ऊपर वाले ने ऐसा ही सोच रखा था कि हम हमेशा साथ ही रहें, हमें सेम ही कॉलेज मिला, मतलब जिसकी हमने ट्राई भी यही किया था कि सेम ही मिले। सेम ट्राई ऑब्वियसली साथ ही गए थे दिल्ली। बट ऐसा होता नहीं कि आप चाहो जो कॉलेज आपको वो मिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है, 0.1 0.2 से भी इधर उधर हो जाता है सीन। तो बाय चांस जो कट ऑफ निकली थी हमारे कॉलेज की, मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, तो हमारी सेम निकली, हम दोनों को एडमिशन मिल गया। और बस ऐसी बहुत बढ़िया हमारी कॉलेज लाइफ रही, अच्छे फ्रेंड्स मिले, हमने बहुत खूब मज़े किए। और हमारा ब्रेकअप भी हुआ बीच में, सब बताते हैं ना लोगों को, कुछ छुपाने थोड़ी होता है, बीच में आप लोगों हमारा ने थोड़ी दो तीन छुपाई है। महीने के लिए ब्रेकअप भी हुआ था, हाँ लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी हमारी। वो ना कॉलेज में जैसे जाते हैं तो लड़कों को थोड़ी हवा लग जाती है, नई नई लड़कियां देखने को मिलती है, वो भी कॉलेज गर्ल्स, तो फिर उसको लग गई थी हवा, फिर ये तो इधर उधर लड़कियों को लेके स्टारबक्स घूम रहा था। मैं गया था मॉल बेसिकली उसको लेकर, और मॉल में क्या हुआ, उसने बोला चलो स्टारबक्स चलते हैं। और भगवान की कसम मेरे को पता नहीं था स्टारबक्स क्या होता है, उस टाइम पे नहीं पता था, सहारनपुर में तो था ही नहीं ना, मैंने इतना ज़्यादा कुछ नेट पे कुछ नहीं पता था मतलब। तो फर्स्ट टाइम उसने बोला स्टारबक्स ले चलो, स्टारबक्स घुसी वो अंदर लेकर मेरे को, मैंने देखा कॉफ़ी की खुशबू आ रही, कॉफ़ी होगी ऑब्वियसली, अंदर घुसे मैंने कहा ठीक है कॉफ़ी है। और सही में पहले कभी ऐसी उस पर नहीं घुसे थे जहाँ पर महंगी महंगी कॉफ़ीज होती हैं, अभी तक घर पे ही कॉफ़ी पीती, बाहर कभी कॉफ़ी पी नहीं, ये मैक्सिमम CCD में पी होगी। मैक्सिमम सीसीडी में पी थी, हाँ वो भी 100 150 रुपए तक की थी, हाँ और CCD तो स्टारबक्स 500 600 700 800 तक की भी होती हैं। तो वहाँ पर गए आराम से, कॉफ़ी उसने ऑर्डर करी, मैंने भी कॉफ़ी ऑर्डर करी महंगी महंगी। बट जब बिल जब उसने बोला ना सामने से, मैं हाथ भी डाल रहा हूँ पॉकेट में, मैंने कहा मैं दे देता हूँ, और वो बोल रही है आगे से नहीं नहीं मैं दे देती हूँ।
मैंने, नहीं नहीं रुको रुको मैं दे देता हूँ, मेरा फर्ज बनता है, निकाल के दे। इतना दुख हुआ ना, वो जो भी 1,000 रुपए 800 रुपया पता नहीं जितने भी 900 रुपए लगे, की। अब याद तो है नहीं, 5-7 साल पहले की बात है, जितने भी लगे मतलब बैंड बज गई थी, बड़ा बुरा लगा था। उसके बाद कभी स्टारबक्स शायद एक आध बार ही गए, मेरे दिल ही नहीं करता जाने का, भले ही अब जा सकते हैं लेकिन अब कोई दिल नहीं करता। तो बस, तो मतलब और ये हमारा ब्रेकअप फेज में ये चल रहा था ब्रेकअप ये फेज सब था, कुछ। बट कितने टाइम तक ही दूर रह सकते थे बस, उसके बाद हाँ वापस आ मतलब गए। जब तुम्हारा ब्रेकअप फेज चल रहा होता है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो सेम बंदे को ना रोज कॉलेज में फेस करना। तो हम लोग, हमारी फ्रेंड है रूपाली, तो जगह दिस इज़ फॉर यू, हमारी बहुत उसने हेल्प करी थी। ये आता था कॉलेज में ना, बीच में मुझे इतना अजीब लगने लग गया था क्योंकि ये कॉलेज में आता था लेकिन मुझसे मिलता ही नहीं था। तो मतलब मुझे ना ऐसे लगने लग गया था कि ओ यार कुछ इनकम्प्लीट रह गया, कॉलेज तो गई हूँ लेकिन शिवम से नहीं मिली। और फिर मतलब हम आमने कभी सामने से निकलते थे लेकिन हम बात करने बंद हो बात गए थे, करनी बंद देखते हो थे कि गई हाँ रखी है कॉलेज, थी। मैं भी आ रखा हूँ कॉलेज। तो बुरा भी लगता था बहुत ज़्यादा कि यार अभी तक तो आते थे, साथ ही जाना साथ ही आना, स्कूलिंग साथ करी सारी, एकदम से ऐसे हो गए कि दूर दूर से ही रहना। तो बड़ा मतलब अजीब सा फेज था वो उस टाइम पे। तो चलो जैसे भी बुरा निकला बहुत ज़्यादा, बट अब सोचते हैं ना तो बड़ा खतरनाक चीज़ थी वो। सच्ची। मैंने कितना मिस किया था आपको उस टाइम पे। वही ना, बहुत अच्छा था ना, तो मैं आपके पास वापस आ गया। तो ऐसे करके फिर कुछ टाइम बाद हमारा फिर पैचअप हो गया था। एक पार्टी के थ्रू हमारा पैचअप हुआ था। हम लोग पार्टी कर रहे थे और फिर रात को दोनों बहुत ज्यादा रोए और फिर उसके बाद हमारा पैचअप हो गया था। बोला पार्टी पार्टी नॉट एग्जैक्टली पार्टी, दोस्त के बर्थडे पे नाच रहे थे ऐसे बोल, हाँ, तो दोस्त के बर्थडे पे नाच रहे थे, दैट इज पार्टी ओनली वैसे शिवम। फील उसमें आती है, दोस्त के बर्थडे पे नाच रहे थे। अबे दोस्त के बर्थडे पे नाच रहे थे, ठीक हाँ, तो दोस्त के है बर्थडे पे नाच रहे थे हम सबको। लोग। तो मतलब हम लोग वो पार्टी पार्टी ऐसे है क्योंकि दोस्त का बर्थडे था, फ्लैट पे पार्टी कर रहे थे। तो फिर हम लोगों को एकदम से पता नहीं क्या अंदर से ऐसे हुआ कि नहीं यार इनकम्प्लीट सी हो रही है लाइफ बहुत, प्लीज वापस आ जाते हैं ये वो ये वो। तो फिर हम उसके बाद वापस आ गए थे। जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो ना, और उसके बाद ऐसा आपको एकदम से ऐसा फेज आ जाए कि आप इतने ज़्यादा क्लोज थे कि आप एक बहुत मतलब आप बेस्ट फ्रेंड ही हम दोनों एक दूसरे के थे, और एकदम से ऐसा हो जाना कि आप देख के उधर हो गए हो, तो जब देखते हैं ना एक दूसरे को इतना बुरा लगता है, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो वो उस दिन ऐसा था कि मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, बहुत तो हम रोए दोनों उस ही रात, रोने लग हम गए। उस रात हम बहुत रोए। बहुत रोया आप। तो उसके बाद हमारा, अरे 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के यार। हमारा ग्रेजुएशन का फेज खत्म हुआ ना, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया था जेडी इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग के लिए, और शिवम अपना म्यूजिक करता मैं कुछ था। टाइम के लिए घर आया था, और मैंने घर पे ही मतलब सहारनपुर, सहारनपुर में ही मैंने फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था, ब्लैक पर्दे लगाकर और अंदर अपना सेटअप रखकर किया था। और दिल्ली में भी स्टूडियो करा हुआ था ना दिल्ली आपने। में कुछ टाइम बाद ओपन करा था, फिर मतलब हाँ कुछ टाइम घर पे अपनी प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद मैं अभी 6 महीने बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इसका सेकेंड ईयर मतलब इसका लास्ट ईयर चल रहा था ना पोस्ट ग्रेजुएशन का, उस टाइम पे मैं कालका जी ही था, वो एकदम से आया अपना लॉकडाउन, कोविड। कोविड आया अपना, तो उसकी वजह से मैं तो सहारनपुर शिफ्ट हो गया, अपना सारा सेटअप वेटअप लेकर फ्लैट छोड़कर शिफ्ट हो गया, ये भी सहारनपुर वापस आ गई, घर वालों ने बुला लिया। मुझे वापस जाना पड़ा था क्योंकि मेरा कॉलेज था और फिर मुझे इंटर्नशिप भी वहीं पे ही स्टार्ट करनी जब थी। लॉकडाउन खुला था बीच में कॉलेजेस हाँ कुछ कुछ जैसे 2-2 घंटे के लिए खुलते थे, तो इसको बुला लिया था हाँ वापस फिर मैं दिल्ली। वापस चली गई थी दिल्ली, और शिवम उस टाइम पे घर पे ही था। मैं घर पे मतलब रहता था कुछ टाइम के लिए सहारनपुर, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, उसके बाद शिवम घर पे था सहारनपुर। और फिर ये थोड़े दिल्ली थी। टाइम बाद आपको आई गेस वाइटल से कॉल आ गई थी आफ्टर लॉकडाउन, तो फिर ये फिर मोहाली शिफ्ट हो गया था, वाइटल के साथ साइन हो गया था जब, हाँ फिर मैं है वाइटल के ना। साथ काम करने लग गया था, म्यूजिक कंपनी के साथ। उसके बाद मैं दिल्ली में ही थी, मैं दिल्ली में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी और फिर ये मोहाली में था, तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, हम बहुत ही कम मिलते थे उसके बाद। तो उसके बाद हुआ एक अच्छी एंट्री क्योंकि अब उसके लड़की बाद बड़ी हो रही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अब लड़की बड़ी हो रही हुई, थी। छोकरी जमारे, हाँ और इसके घर से मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, तो फिर अब मुझे किसी तरह तो उनको रोकना था क्योंकि मतलब इतने सारे रिश्ते आ चुके थे, मैंने बहुत के लिए मना करा था, लेकिन एक रिश्ते में ना मेरे घर वाले कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड थे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अच्छा होगा हाँ लड़का या जो भी है, मतलब पसंद था उनको वो। तो फिर मुझे अब किसी तरीके से तो उनको रोकना ही था, मैं कैसे ही उनको मना करती, वो तो मीटिंग वीटिंग भी फिक्स करवा देते अगर मैं रोकती ना। तो फिर उसके बाद किसी के थ्रू उनको पता चला कि तान्या का बंदा बंदा है, तो पहले उनका दिमाग कहीं और गया, मेरा एक बंदा, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हस्बैंड, नो नो लाइफ नो मेट, नो सोलमेट, शट अप यू। मोटा 50 रुपए पेट, काटूंगी आपके लिए, आपके मेरे मैं भी लाइफ कम दूंगी मेट, तुझे। सोलमेट, मोटा पेट। यस मोरा वेट।
मुझे बताना पड़ा घर पे। उसके बाद तो भाई साहब मेरी लंका लग गई थी। होता ही है यार, क्योंकि इंटरकास्ट है ना बेसिकली। हाँ। ये मारवाड़ी फैमिली से है और मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, और थोड़ा सा होता है अपना समाज का भी देखना होता है। वो भी अपनी जगह ठीक थे, मम्मी पापा भी सब अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि बिरादरी का देख के चलना पड़ता है। और हमारे यहाँ इतना थोड़ा चिल सीन था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि चलो कर लो जहाँ मतलब। फिर हम लोगों मतलब मेरी फैमिली में फिर झगड़े वगड़े भी हुए हम लोगों के, लेकिन मम्मी पापा इज वेरी वेरी स्वीट। मेरे पापा और मम्मी ने ना आज तक मुझे किसी भी चीज के लिए जिंदगी में मेरी 26 साल में मना ही नहीं करा। हाँ। बस एक वो पहली चीज थी जिसके लिए वो मना कर रहे थे कि बेटा देख 26 साल में हमने आज तक तुझे किसी चीज के लिए नहीं मना किया, तुझे जो फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, घूमना है, ये करना है, इसके लिए पैसे चाहिए, सब दिया हमने तुझे, ये चीज तू हमारे मान ले कि तू शादी हमारे अकॉर्डिंग कर ले, इंटरकास्ट हम नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मैं भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी भाई। 11 साल इस बंदे को सुधारने में लगा दिया, उसके बाद अब इसको किसी और के हाथ पे दे दू, ऐसे थोड़ी कर सकते थे। सारे इतना मारूंगा ना सुधारने में, मैंने सुधारा इसको। हाँ, मैं किस लड़के को लेके स्टार्ट। हाँ, वैसे नहीं 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 ठीक बात है। मैं नहीं सुधार पाया 11 साल नहीं सुधार पाया मैं यार तो मोस्ट 1.5 साल लग गया था। शिवम के घर वाले तो चलते, उनको था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उनको एक प्रॉब्लम ये थी कि उनको थोड़ा सा शादी डिले लेट करनी थी उनको। प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनके माइंड में था ही नहीं कि ऐसा एकदम से शादी का बन जाएगा विद इन फ्यू मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर। मेरे घर वालों को थोड़ा जल्दी इसलिए कि मैं घर की सबसे बड़ी बच्ची हूँ, तो उनको था थोड़ा होता है ना इमोशनल, एक माइंड उनका प्रिपेयर्ड था कि ताने की इस एज में हमने कर देनी है मैरिज। और मेरे घर वालों का था कि वो 2 साल बाद का उनका दिमाग थोड़ा में उन्होंने था। मुझे इमोशनली बेस करा, बेटा देखो अब हम बड़े हो रहे हैं, प्लीज तुम शादी कर लो एक बच्चे की शादी तो हम देख लेंगे ना, तो मम्मी पापा ये आपके लिए ही है। मम्मी देख रहे हो ना आप लोग, मम्मी देख रहे हो ना, मम्मी वहीं से फ्लाइंग चप्पल एक मार दो इसे लगनी चाहिए। तो ऐसे करके हुआ फिर हमारा, फिर 1.25 साल लग गया हम लोगों को घर पे मनाने में। उसके बीच में भी बहुत रिश्ते आए, फिर से खूब झगड़े चले, जैसे कोई अच्छा रिश्ता आ जाए फिर झगड़ा शुरू हो जाए कि तुझे इससे की शादी करनी है, देख क्योंकि अच्छा लड़का सबसे अच्छा रिश्ता तो यही था ना। हाँ। ये जो सुंदर मुखड़े वाला चेहरा और इतना प्यारा दिल वाला लड़का, दिल वाले तो दुल्हनिया ले ही जाएंगे फिर। उसके बाद फिर हम लोगों ने मना लिया फाइनली घर वालों को। मैंने उनको बोला कि प्लीज आप एक बार ही शिवम से एटलीस्ट, मतलब मम्मी पापा ना बचपन से शिवम को जानते हैं, शिवम घर पे हमेशा आता रहता था एज अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब बचपन से उन्हें यही पता था कि मेरा बेस्ट तो बेस्ट फ्रेंड ही थे एक तरह से हम, मतलब। हाँ, मैंने उनको बोला कि देखो आप आज तक शिवम से मिले हो एज माय बेस्ट फ्रेंड, एक बार उसको एज माय बॉयफ्रेंड मिलके देख लो, उससे आपको जो भी पूछना आप सब कुछ पूछ लो वगैरह वगैरह एंड स्टफ। तो फिर मिले ये लोग, मम्मी पापा से मिले फिर शिवम। बस चीजें अच्छी रही, मतलब अच्छी रहनी थी यार, कोई ऐसा मतलब ऐसा तो कुछ एब था नहीं भी था नहीं ना इसमें, ऐब नहीं था इसमें, ऐब आज तक नहीं आए, ऐब तो अभी भी नहीं आए, बैग्स हैं 10-10 किलो के बैग्स। मम्मी पापा को भी मुंडा पसंद आ गया। हाँ, और तान्या के मतलब सबसे ही मेरा तो बहुत प्यार है, मतलब मम्मी से भी पापा से भी और माधव से बहुत प्यार है, दीक्षा से बहुत प्यार है, घर में सबसे मेरा बहुत प्यार है। तो अब तो और ज्यादा प्यार बढ़ गया, पहले तो चलो दूर दूर से प्यार था, पास से भी प्यार हो गया। मेरी बहन दीक्षा को बचपन से पता था हमारे रिलेशन के बारे में, तो मतलब दीक्षा और शिवम का बॉन्ड तो इज लाइक ब्रोज। हाँ, हम तो एक दूसरे को मतलब बचपन से अभी भी हम बहसते भी हैं, लड़ते भी हैं, गालियां भी बकते हैं एक दूसरे को, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2022 के अक्टूबर नवंबर मतलब अगस्त सितंबर के आसपास, हेलो 21 के अगस्त 2021 में हमारे घर वालों की मीटिंग हुई, सब कुछ फाइनल हुआ, और नवंबर 2 नवंबर को हमारा रोका हो गया था। सेकेंड नवंबर को रिवील नहीं किया था, उसके बाद हमारा रोका हो गया था, बट हमने बताया नहीं था कुछ भी। 2022 के अप्रैल, हाँ 27 अप्रैल की डेट निकली जो कि फाइनल हुई। बीच में बड़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी आई थी कि जैसे डेट भी निकालनी होती है ना, हमारी तरफ से अलग निकल रही थी, इनकी तरफ से अलग निकल रही थी, बट ठीक है एक म्यूचुअल कंसेंट से 27 अप्रैल 2022, सही बोला 2022 हमारी शादी की डेट पक्की हुई। और हम लोग पता है अपने इंगेजमेंट वाले दिन हम सेम रूम में रेडी हुए, क्योंकि 26 अप्रैल को थी। हाँ 26 अप्रैल को थी, तो मुझे छवि ने रेडी किया था और शिवम भी उसी रूम में रेडी हो रहा था। इंगेजमेंट वाले दिन हम इंगेजमेंट पर लड़कर गए हैं, स्टेज पे जाने से पहले हमारी लड़ाई हुई भी थी। लड़ाई नहीं थी, मतलब इसका मूड खराब था, इसका मूड खराब था, वो इस वजह से था क्योंकि मैं ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे
और मैं रेडी था, मैंने अपना पूरा आउटफिट डाला हुआ था, जो भी था वो टक्सीडो सा, पता नहीं यार मैं तो कोट पैंट बोलता था, उन्होंने दुकान वालों ने टक्सीडो टक्सीडो जो भी था कोट पैंट सा डाल रखा था, तो वो डाल रखा था। और शूज मेरे ना, मेरे दोस्त है सुखी, वो चंडीगढ़ से आ रहा था, तो मैं अपने शूज़ चंडीगढ़ भूल गया था, तो वो चंडीगढ़ से आ रहा था, मैंने उसे कहा था तो एंगेजमेंट पे ले आई हो साथ ही, और वो लेट हो गया, उसके टायर पंक्चर हो गया था रास्ते में, हाँ मतलब और बाहर सारे बाहर वेट कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि लड़का नहीं निकल रहा, और लड़का खड़ा सॉक्स में, जो शूज़ ही नहीं है जी। और मैं फ़ोन कर रहा हूँ अपने सहारनपुर वाले दोस्तों को, भाइयों कहीं से जूता खरीद के लाओ, कोई ब्लैक कलर का चाहिए शूज़। तो उस दिन था ट्यूसडे, सहारनपुर में ट्यूसडे को बंद मार्केट्स ऑफ होती हैं, सारी दुकानें बंद, बेचारे पता नहीं किस दुकान में लेके घर जाकर उसके घर से मांग कर लेकर आए ब्लैक जूते, उस टाइम पे मैंने डाले, तो इसलिए इसका मूड खराब हो गया था, क्योंकि मतलब फोन ज्यादा इसके पास आ रहे एग्जैक्टली मेरे को ही लग रहा था यार कितना केयरलेस बंदा है, एंगेजमेंट वाले दिन अपने शूज ही दोस्तों के ऊपर छोड़े हुए हैं इसने, ऐसे नहीं करते हैं ना। इतनी सी छोटी सी हमारी लव स्टोरी है 11-12 साल की, और छोटी सी लव स्टोरी 11-12 साल की तो ये छोटी छोटी होती सी, है मतलब ये। ये हमने आपको बताई बहुत कम टाइम में, शायद अगर मैं कसम से, अभी हमने एडिटिंग में काट दी हैं चीज़ें, बट बीच बीच में इसने मुझे ऐसा भी बोला है, शिवम इतना क्यों समझा रहे हो, इतना बोलोगे तो 1.5 घंटे का व्लॉग बन सच में जाएगा, मेरा दिल तो बहुत है चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में बताएं, उस टाइम पे यहाँ गए ऐसे हुआ ये हुआ, बट बोर हो जाओगे, इतना क्योंकि बड़ा यार हम व्लॉग बन 11-12 साल जाएगा, की चीजें आप लोगों को ऐसे 15 मिनट में नहीं बता नहीं बता सकते हैं सकते। ना, बट उसके लिए फिर भी बहुत हमने कोशिश टाइम। करी है कि हम मेन मेन चीज़ें आपको बता दी हूँ, बट अगर ऐसे आगे भी और भी चीज़ें दिमाग में आएंगी तो आपको आगे के व्लॉग्स में बीच बीच में हिंट्स यस, देते और रहेंगे। दूसरी चीज अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना होगा तो इसके बाद अब हमारा होगा नेक्स्ट व्लॉग क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें हम आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी वो डाल दूंगी स्टोरी कि आपको जो जो हम लोगों से पूछना होगा आप वहां पे पूछ सकते हो। अगर आपने तांशी व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स, बहुत अमेजिंग कंटेंट को मिस कर दोगे, और हमारी आगे की बहुत सारी मस्ती भी मिक्स नहीं मिस कर दोगे, मिस मैं कह कर रही दोगे मिक्स कर दोगे, मिस हमारी आगे की बहुत सारी मस्ती भी आप मिस कर कर दोगे। दोगे, तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा और आप रिलेट करते हैं इस व्लॉग के साथ तो आप तो लाइक बटन लाइक दबाएं। बटन दबाएं, शेयर कर दें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में आई बताना होप ज़रूर कि आपको कैसा लगा। और आई होप कि आपको हमारी लव स्टोरी पसंद आई होगी, है ना। अरे थोड़ी आई फिल्मी काइंड होगी, ऑफ है हमारी लव स्टोरी, मतलब हम अरे लोगों को तो फिल्म लगती है कि हम से भी ऊपर, सुपर से ऊपर, 5 रुपए की पेप्सी, हमारी लव लव स्टोरी स्टोरी सेक्सी। सेक्सी। बाय बाय। बाय।